हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन स्पार्टन्स लर्निंग ऐप पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप लोग हेडिंग डाल लें आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन देखें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, उसकी वजह क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको सभी लॉ फॉलो करते हैं, विच फॉलोज ऑल गैस लॉ। द इक्वेशन वाई विच फॉलोज ऑल गैस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक ऐसी यूनिक इक्वेशन जिसको जितने भी लॉज हैं सभी गैस लॉज इसको फॉलो करते हैं। क्या मतलब हुआ आइडियल गैस इक्वेशन कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, क्या होता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, यहां पे हम ड्राइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं, तो P क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां पे रखता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन रखता हूं। इसी तरीके से हम लोग अकॉर्डिंग टू द अवोगाड्रोज लॉ, अकॉर्डिंग टू द अवोगाड्रोज लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों इक्वेशन से, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहां पे आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p है, तो v सभी में आ रहा है लेफ्ट साइड, तो हम लोग v लेके चलते हैं प्रोपोर्शनल। अब यहां पे p के इन्वर्सली है, t और n के डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली पहले किस किस के है? n के, t के, और इन्वर्सली किसके है? पी के। तो इस तरीके से हम एक ही साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पे वॉल्यूम पी के इन्वर्सली दिख रहा है, वॉल्यूम एन के डायरेक्टली दिख रहा है, टी के भी डायरेक्टली दिख रहा है, तो तीनों इक्वेशन का कंक्लूजन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां गैस कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं। आर, जैसे आप यहां पर कॉन्स्टेंट लेते थे के, इसको के डैश मान लो, इसको के डबल डैश मान लो, और सभी का एक कांस्टेंट का जो मल्टीपल होता है वो भी एक कांस्टेंट ही आने वाला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर। ठीक है, एन टी अपॉन पी। यहाँ पे आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल दो, या गैस कांस्टेंट बोल सकते हो। ये हमारे पास, इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं और पी वी को इस साइड ला के खड़ा करते हैं हम लोग। पी वी इधर आ गया तो अपने पास क्या बचा? एन आर और टी, ये मल्टीपल में है एन आर टी। तो ये हमारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास, फिर से समझते हैं, बॉयल्स के अकॉर्डिंग, चार्ल्स के अकॉर्डिंग और अवोगाड्रोज के अकॉर्डिंग वी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम जो है वो यहां पे प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर। मैंने प्रोपोर्शनल वर्ड बोला, डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं बोला, तो यहां से प्रोपोर्शनल साइन लगाया जो डायरेक्टली उनको सामने और इन्वर्सली को हमने बन अपॉन में रखा,
प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, गैस कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और इनको हम पी को इस साइड ले आए तो पी बी बराबर एन आर टी आया। तो पी बी बराबर एन आर टी इज आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन बाई विच ऑल गैस लॉज फॉलोज, ऑल गैस लॉज फॉलोज। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सभी गैस को फॉलो कराने के लिए अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड कर दोगे, अगर आर अपना गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर कर दिया जाए, बॉयल लॉ को प्रूव करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब बच्चे आपके मन में आ रहा होगा कि कांस्टेंट वाली चीज़ अभी यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं जैसे अपने पास वॉयल है, चार्ल्स है, ठीक है ना, आबोगाड्रोज है या गेलुशेक हैं, तो यहाँ पे अगर बॉयल का सेंस ना, बॉयल 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 करते हैं चीज़ को, तो टेम्परेचर से जा रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स, चार्ल्स कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा ना, किंग किंग वगैरह होते थे हमारे पास पुराने ज़माने में, राजा महाराजाओं ने, ऐसा चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, तो चार्ल्स मतलब राजा क्या करते हैं, अपना प्रेशर बनाए रखते हैं प्रजा पर, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट इस तरीके से ध्यान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गेलुशेक में क्या है हमारे पास, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, ये दोनों यहाँ कांस्टेंट होते हैं, सॉरी यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर में अगर आप रिलेशन बताते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर यहाँ कांस्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा, वॉल्यूम, क्यों, गेलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के लिए था, तो यहाँ वॉल्यूम। और यहाँ पे हमारे पास V और N में रिलेशन होता था तो P और T कांस्टेंट होते थे। इस तरीके से हम थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं कि कैसे क्या बॉयल से, टेम्परेचर, चार्ल्स राजा महाराजाओं के तरीके से अगर कोई प्रेशर बना रखता प्रजा पर, क्योंकि हुक्म चलाते थे तो वो लोग, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट कर लो, अच्छे राजा लोग नहीं चलाते थे हुक्म, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आइडियल गैस इक्वेशन की, इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन को देखा। अब यहाँ से हम लोग इसको आप पॉज करके नोट कर लें पहले, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट की बात आती है, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, तो यूनिट देख लेते हैं यूनिट गैस कांस्टेंट की क्या होगी। सिंस वी नो दैट पी वी इक्वल एन आर टी, देयर फोर अगर आप देखेंगे तो आर यहाँ से क्या आएगा, पी वी अपॉन एन टी। यहाँ पे पी हम लोग प्रेशर ले रहे हैं एटमॉस्फियर में, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फियर, और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेके चलेंगे, एन नंबर ऑफ मोल में लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेके चलते हैं, केल्विन। तो ये हम यूनिट लेके चल रहे हैं इन टर्म्स की, ये टर्म्स हैं हमारे जो इसमें यूज हो रहे हैं, इन टर्म्स की जो यूनिट है वो हम कुछ इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो अब गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, आप खुद से देखें, तो यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट आप देखेंगे एटमॉस्फियर, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर, अपॉन में ये मोल और ये केल्विन, तो यूनिट आ गई लीटर एटमॉस्फियर, जिस बेस से हम लोग याद करते हैं, एटमॉस्फियर लीटर भी बोल सकते हैं, पर एक फ्लो आ जाता है कि लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इस तरीके से लिखते हैं, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स, और मोल भी ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, तो दिस इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक यूनिट और होती है, अगर आप बताएं कि यहाँ पे हमने पीवी की यूनिट लिखी है लीटर एटमॉस्फियर या एटमॉस्फियर लीटर, इसको हम लोग जूल भी लिख लेते हैं, कैसे सर जूल कैसे आया, तो आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, क्या इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि लीटर एटमॉस्फियर का सेंस है पीवी से, तो पीवी को अगर मैं देखूं तो ये फोर्स अपॉन ए, और ये अपने पास वॉल्यूम है, तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं और ये मीटर स्क्वायर लिखूं, और वॉल्यूम है अपने पास मीटर क्यूब अगर लिखूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मीटर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ टू बचा तो ये आ जाएगा एक, यहाँ पे दो कैंसिल हुए तो एक एम बचा, यहाँ पे वो एम और ये एम मिलकर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू बनाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर वर्क की बात करता हूँ, वर्क की जूल होती है हम लोग आसानी से देखते हैं, एफ एस कॉस थीटा या एफ इन टू डी, तो यहाँ से फोर्स अपने पास किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू आएगा, इसका मीटर आएगा, तो ये आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, तो यार ये जूल की भी तो आ रही है हमारे पास, तो सिंपल चीज है, इस प्लेस पर हम लोग इस तरीके से एक और यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दो यूनिट हैं इसकी,
ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे लीटर एटमॉस्फेयर पीवी का था तो ये इसके इक्वल आ रहा है, यहाँ भी ये अगर डब्ल्यू बराबर जूल होती है वर्क की तो आप देखते किलोग्राम मीटर्स के सेकंड माइनस टू, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हम लीटर एटमॉस्फेयर की प्लेस पे जूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये यूनिट हो गई, आप यूनिट देख सकते हैं, यूनिट हमारे पास दो हो चुकी हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना, दोनों यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखें यूनिट हमारे पास एक तो आई आर की यूनिट क्या, लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और दूसरी यूनिट हमारे पास क्या आई इसकी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और मैंने केवल ये शो करके दिखाया कि इस जगह अपने पास जूल आ रहा है तो कैसे एम के एस में इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये यूनिट ऑफ आर गैस कांस्टेंट की यूनिट ध्यान रखना, आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे हम लोग मॉडिफाई वो आर की यूनिट देखते हैं, ठीक है, तो आपको मैंने इस चीज़ को ड्राइव करके दिखाया। अब आप लोग आगे की ओर देखेंगे इसके और चीज़ों को, वैल्यू ऑफ आर, तो ध्यान रखना जो आर की वैल्यू होती है, अगर आप यहाँ पे ठीक है ना प्रेशर 1 atm वॉल्यूम 1, आप ध्यान रखें यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल 1, टेम्परेचर 1, आप लेके चलेंगे 1 1 केल्विन, तो यहाँ से अपने पास इन चीज़ों को अगर मैं आप आर की दो वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ आर एक तो वैल्यू रखनी है अपने को, दो यूनिट अपने लोगों ने पढ़ी, एक लीटर एटमॉस्फियर, तो यहाँ पे वैसे तीसरी भी होती है बट यहाँ पे हम लोग दो का ज़्यादा यूज करते हैं वो देख लें। पहली आर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है अगर 0.00821 लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक वैल्यू हमारे पास ये भी होती है बस क्या 8.3 14 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है आर की, ठीक है, इनको आपको याद रखना, उसी फॉर्मूले से निकलती हैं पर अभी आपको ये लर्न करनी है। लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स में क्या है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स या 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मैं डायमेंशन की बात कर लूँ, डायमेंशन ऑफ आर, तो आर अपने पास क्या निकल के आया था पी बी अपॉन एन टी। अगर आप यहाँ से डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं पी की बात करूं तो पी एफ अपॉन ए होता है, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो एम एल टी माइनस टू होता है, क्योंकि एफ क्या होता है एम इन टू ए, और एम की क्या होती है कैपिटल एम, और एसिलेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, ठीक है, तो और ए का क्या होता है आपके पास एल की पावर टू, और आप यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा एम एल की पावर माइनस टू पर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, ये टी माइनस टू, तो यहां से आ गया ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वी वॉल्यूम है लीटर, एल की पावर थ्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एन मोल होता है आप जानते हैं, और टी अपने पास क्या टी को टी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है केल्विन, यहाँ पे टाइम नहीं है केल्विन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन और एल थ्री क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन, यहाँ पे के इनवर्स और यहाँ पे मोल इनवर्स, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, और एक खास रिलेशन जो इसमें होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, कभी कभार डेंसिटी के टर्म्स में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी डेंसिटी, तो आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी की टर्म्स में क्या होगी, अगर
यहाँ पे वैसे आप पीछे भी वहाँ देख सकते थे, पर कोई नहीं, पी वी बराबर एन आर टी हमने अभी देखा। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखने के बाद पी इक्वल हम लोग क्या कर सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन इट्स मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर टी अपॉन वी। और एंड वी ऑल्सो नो दैट वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी डी से कर लो या रो से भी कर सकते हैं, रो, ठीक है ना, रोने मत लगना, ठीक, डेंसिटी का सिंबल है ये, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो किसी भी सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेट वाई वॉल्यूम हमारा डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी एंड आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ये भी एक रिलेशन है, आप चाहें तो डेंसिटी को डी से भी कर सकते हैं, पी इक्वल डी आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट। यहाँ पे आप ध्यान दें, पी इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस, आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम इज़ द मॉलिकुलर वेट, एंड रो या डी इज़ द डेंसिटी। तो यहाँ से हम डेंसिटी के टर्म्स में भी आइडियल गैस इक्वेशन को देख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देख लीजिए आप लोग इसको एक बार। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन को देखा, कैसे सभी गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन जो है सभी लॉज को फॉलो कर पा रही है, और उस तरीके से उसका हमने क्या देखा, हम लोगों ने यूनिट देखी, वैल्यूज को देखा, डायमेंशनल फार्मूला देखा, और अभी हमने डेंसिटी के टर्म्स में इसका रिलेशन देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर वे में घर पर नोट्स बना रहे होंगे, और स्वस्थ मन से बस मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।